और अभी अपने दफ्तर में मौजूद है। कुछ देर बाद में पंत कृषि भवन में जाएंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो विभाग की कार्य योजना है उसको समझेंगे और आगामी दिशा निर्देश भी देंगे। किस तरह की रहने वाली आगामी कार्य योजना? देखो, कृषि विपणन बोर्ड व्यापारी से संबंधित और किसानों से संबंधित विभाग है और साथ साथ में गरीब लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयत्न रहेगा कि किसानों को, व्यापारियों को प्लस मजदूरों को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, कैसे अच्छी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह कि आज हमने पदभार ग्रहण किया है और इस विभाग से जुड़े हुए तीन जो काले कानून थे, कृषि कानून थे, वो भी आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है दिल्ली के अंदर, मैं अभी टीवी पर देख रहा था, उनको आज ही वो विड्रॉ करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शुभ संकेत हमारे व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए और हम सबके लिए। हम बहुत अच्छा करेंगे, ऊर्जा के साथ में काम करेंगे और जो जिम्मेदारी हमको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, हम कोशिश करेंगे कि आम जनता की भावनाओं पर खरा उतरें और 2023 में वापस कांग्रेसी गवर्नमेंट राजस्थान रिपीट करें। क्या मानते हैं, क्योंकि मंडियाँ आपके अंडर में आने वाली है, मंडियों को लेकर शिकायतें रहती किसानों की, कैसे दूर करें? व्यापारियों से जुड़ा हुआ विभाग है, किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, मजदूरों से जुड़ा हुआ विभाग है, ये जॉइंट है और मैं समझता हूँ कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि सामंजस्य व्यापारी, किसान प्लस मजदूर मिलकर के बहुत अच्छा करें ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और सब लोगों को राहत मिले। ये जो विभाग आपका, ये पहले कृषि के साथ ही रहता था, इस बार थोड़ा सा अलग किया है, क्यों ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपको दी है या किस तरह से देखते हैं कम विभाग आपको दिए गए? नहीं, कृषि विभाग के साथ में विभाग कभी रहा नहीं, इसके हमेशा अलग सेपरेट मंत्री थे। अभी ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री मोदी के पास में था और पहले दीपेंद्र जी मंत्री रहे, इसके कुंदर साहब मंत्री रहे, तो मैं समझता हूँ कि सेपरेट विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, हम जिम्मेदारी साथ में काम करेंगे। तो ये थे मुरारीलाल मीणा, जो उन्होंने कहा कि जो विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी है उसे बखूबी निभाएंगे, क्योंकि किसानों और व्यापारी से जुड़ा सीधा विभाग है और दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है भरत, इसके साथ ये भी जानकारी दीजिए, जैसे कि आपने बताया कि आज तीन मंत्रियों की तरफ से अपना पदभार संभाल लिया जाएगा, तो कुल मिलाकर जब से ये विभागों का आवंटन हुआ है उसके बाद से अब तक कितने मंत्रियों ने अपनी कुर्सी संभाल ली है और कितने अभी बाकी है? देखिए, अब तक की बात की जाए, सचिवालय में कामकाज संभालने का सिलसिला जारी है। कल चार मंत्री थे जिन्होंने पदभार संभाला था और अभी तक दो मंत्री मंत्रालय भवन में और एक मंत्री हैं जो मुख्य बिल्डिंग है सचिवालय के, वहां पर पहुंचे हैं। महेश जोशी ने पीएसीटी का जिम्मा संभाल लिया। सबसे पहले गांधी प्रतिमा पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी और उसके बाद में पूजा अर्चना के साथ पदभार संभाला है। और सबसे बड़ा कामकाज पीएसीटी का अभी जो चल रहा है, हर घर पानी जो पहुंचाने का जिम्मा है उसकी लगातार वो मॉनिटरिंग करने की बात उन्होंने कही है, क्योंकि सभी को पानी पहुंचाने का लक्ष्य जो है उसको पूरा जल्द करना है। इसके बाद की जाए, मुरारीलाल मीणा ने भी कहा है कि जो जिम्मेदारी दी है उन्हें पूरा करेंगे। भजनलाल जाटव ने पीडब्ल्यूडी का जिम्मा संभाल लिया है और परिजन भी वहाँ पर पहुँचे थे, पूजा अर्चना की है और कहा कि सरकार की जो सड़कों की योजना है, जहाँ पे सड़कें खराब है उनको जल्द से ठीक करने का काम किया जाएगा और आज मंत्रिपरिषद की बैठक शाम को बुलाई गई है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया भरत फिलहाल की जानकारी के लिए। आप लगातार जुटे रहिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो एक बार फिर से बता दें, तस्वीरों के जरिए लगातार हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। विजेंद्र ओला जो है दोपहर 12:15 बजे